नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ व प्यार के लिए सादर धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी विशेष जानकारी को लेके आई हूँ जिसको करने से, जिसको प्राप्त करने से आपको लाभ होगा। इन तीन चीजों के साथ चढ़ाएं हनुमान जी को सिंदूर, होगी हर मनोकामना पूरी। हर व्यक्ति की कोई ना कोई मनोकामना अवश्य होती है और वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास करता है। आज हम आपकी मदद करने के लिए कुछ उन्हीं चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन हनुमान की पूजा करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को विशेष पूजा की तरफ आकर्षित करने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। साथ ही इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। सिर्फ सिंदूर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, बजरंगबली को सिंदूर के साथ हमेशा तीन विशेष चीजों को अर्पित करना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आपके जीवन में आर्थिक लाभ आता है। तो आइए जानते हैं उन तीन चीजों के बारे में विस्तार से। हनुमान जी को सिंदूर के साथ चढ़ाएं चमेली का तेल। हनुमान जी को सिंदूर के साथ चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल या चमेली का फूल नकारात्मकता यानी बुरी ऊर्जा को हटाने का काम करता है। ऐसे में हनुमान जी को सिंदूर के साथ चमेली का तेल या फूल चढ़ाने से नकारात्मकता जीवन से एकदम दूर चली जाती है। हनुमान जी को सिंदूर के साथ चढ़ाएं शुद्ध देसी घी। हनुमान जी को सिंदूर के साथ शुद्ध देसी घी भी अर्पित करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब राम जी और रावण का युद्ध खत्म हुआ था तब संपूर्ण वानर सेना और हनुमान जी को श्री राम ने घी का लेप लगाया था। हनुमान जी को सिंदूर के साथ घी चढ़ाने से बीमारी कभी भी नहीं आती और शरीर निरोग बनता है। हनुमान जी को सिंदूर के साथ चढ़ाएं गुलाब का फूल। हनुमान जी को सिंदूर के साथ गुलाब का फूल भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुलाब का फूल हनुमान जी को चढ़ाकर अपनी मनोकामना उनके सामने रखी जाए तो वह हर इच्छा को पूरा करते हैं। साथ ही अगर धन कहीं अटक गया है तो वह भी हमें वापस प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी ये प्रयास करेंगे और अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।